उज़ बिल्लाहि नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ज़ात की है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, मोमिनीन व मोमिनात पर, औलिया कराम पर जिन्होंने आखिरी दम तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और अम्बियाओं पर और फरिश्तों पर जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की। मैं हूँ मुस्तफ़ा, और इस अगले व्लॉग में, टेक व्लॉग से रिलेटेड जो व्लॉग है, इसमें मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूँ, और वो है एलन मस्क के बारे में, और एलन मस्क के जो रिलेशंस थे टेस्ला के साथ, और जो उसने जो ट्विटर क्यों ख़रीदा, और जो है, और जो इसकी और जो ज़रा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा अपने व्यूज़ के साथ भी। तो चलिए आते हैं एलन मस्क की तरफ। पहले एलन मस्क जो हैं एक्चुअली ये करंटली जो हैं सीईओ हैं ट्विटर के। इसमें ज़्यादातर लोग जानते हैं, और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने एलन मस्क के बारे में सुना भी नहीं है, तो उनको भी इससे मालूमात मिल जाएगी। तो ये जो हैं, ये जो इन्होंने ट्विटर जो है अप्रैल 2022 में 44 बिलियन में ख़रीदा था। और ये जो हैं एलन मस्क हैं, ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, और साथ साथ हम ये साथ साथ जो हैं ये इन्वेस्टर भी हैं एक अच्छे। अब जो हम आते हैं टेस्ला की तरफ। टेस्ला जो है ये वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज में रैंक में शुमार होती है। टेस्ला कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, उससे ये बहुत फेमस है। इसमें अब हम जो आएंगे टेस्ला मॉडल वाई के बारे में, जो आपने सुना होगा गाड़ी है, ये सबसे ज़्यादा बोट होती है, सबसे ज़्यादा मतलब सेल होती है, पीपल इसको लाइक करते हैं लोग। तो ये जो है ब्लूमबर्ग आर्टिकल के मुताबिक ये मैं आपको न्यूज़ बता रहा था। और अब सवाल अब आएगा कि एलन मस्क ने क्यों ट्विटर को ख़रीदा। इसका जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्विटर तो जबकि जो है ये फर्स्ट रैंक में भी नहीं आता, और अब ये आजकल आप बेशक ख़ुद भी आप देख लें, फेसबुक अब टॉप मीडिया उसमें आ गया, सोशल ऐप में आ गया। अब इसकी जो हमने जो डाटा हमने देखा था कि टेस्ला जो था वो उसमें जो है ये एलन मस्क ने इसका जो स्टॉक था वो उसने ट्विटर के लिए सोल्ड आउट किया। अब उसने क्यों किया, ये इसकी अब रीज़न जो है अक्सर लोगों को नहीं पता, और अक्सर लोग जानते भी हैं। तो इसमें जो है बस जो सोर्सेज है इसके मुताबिक है कि कोई पेमेंट के इशू थे, कोई इसी के इनकी कोई होगी पेमेंट्स वगैरह में। फिर तो बस जो हैं सोर्सेज उसके मुताबिक है कि एलन मस्क ने ट्विटर को डिजिटल टाउन स्क्वेयर का नाम दिया, जो कि जो फ्यूचर में जो ह्यूमैनिटी है उसकी हेल्प करने में भरपूर काम अदा करेगा। अब इनका जो लगाव ज़्यादातर जो था ट्विटर ही सही था, सो इन्होंने जो है फेसबुक को लाइक नहीं किया, और इन्होंने अपना अकाउंट भी फेसबुक से हटा दिया। और अगर आप इसका प्रूफ भी चाहते हैं तो आप बेशक इनके ट्विटर अकाउंट में इनका ट्वीट भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्लियरली स्टेट किया है। फिर अब जो बात आती है कि इन्होंने जो एक वक्त में जो एक वक्त नहीं अभी भी मतलब ये कर रहे हैं ये वाले अपना जो प्रोसेस की, ये इम्प्लॉयज़ को इन्होंने क्यों मतलब निकाला अपनी जो ट्विटर की कंपनी से, ये इसकी जो वजह ये थी कि वो जो हैं वो हार्डकोर इम्प्लॉयज़ चाहते थे। हार्डकोर इम्प्लॉयज़ मतलब कि जो मेहनती ज़्यादा जो बस ज़्यादा वर्क में इन्होंने फोर्स दे रहे थे, यानी इसको मैंने जो अदर वर्ड में नाम दिया है इसको मैं माइक्रो मैनेजर भी कहता हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा काम कि जिसमें जैसे जो बड़ा आपका बड़ा बॉस होता है वो आप पे बोझ डाल लेता है, आपके ऊपर मतलब फोर्स करता है, तो जिससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुश नहीं होते। अब सोशल मीडिया है उसकी बात की जाए तो जो ओवरऑल जो है गूगल वगैरह इनके मुताबिक फेसबुक अभी तक टॉप उसमें पहुंच गए, मतलब टॉप में ही है। फिर जो बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हो गई सारी, ये व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, टम्बलर हो गया, स्नैपचैट हो गए, ये फिर इसी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं नीचे से। फिर जो है मैंने जी एक ऑब्जर्वेशन करने का सोचा, मतलब मैंने रिसर्च की, मैंने कहा चलो एक थोड़ा ख़ुद एक्सपेरिमेंट मार लूँ। मैंने सबसे पहले जो है ये इंस्टाग्राम की ऐप खोली, इसमें मैं सर्च में गया, और इसमें मैंने बारी बारी सारे जो मशहूर ऐप्स के मैंने सर्च करना चाहा कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और किसके नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्विटर का सर्च किया जिसके 1.1 मिलियन थे। इसके बाद मैंने फेसबुक सर्च किया, इसके 4.5 मिलियन। फिर मैंने व्हाट्सएप किया, इसके 2.1 मिलियन।
और फिर मैंने यूट्यूब किया जिसके 29.7 मिलियन। तो इस इंस्टाग्राम में तो यूट्यूब के ज़्यादा शोहरे थे, इंस्टाग्राम का भी मैं किया तो उसके भी इसमें ज़्यादा ही हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जो जिसकी ऐप होगी वो अपनी ऐप को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो है मैंने फेसबुक में ऑब्जर्वेशन की स्टडी की, उसमें जो है सर्च में मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप लिखा, उसको मैंने देखा तो उसके लाइक्स 33 मिलियन शो हो रहे थे। फिर मैंने फेसबुक को लिखा, उसके 177 मिलियन शो हो रहे थे। फिर मैंने इंस्टाग्राम को लिखा, उसके 61 मिलियन। लास्टली यूट्यूब को जब लिखा तो 87 मिलियन। तो इधर से भी यही अंदाज़ा होता है कि ऐप्स जो है अपनी ऐप्स में मतलब उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यूज़र्स। लेकिन इससे ओवरऑल ही मुझे यही हुआ कि जो फेसबुक है उसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स पाए जाते हैं, जो जिसको जिससे यही ज़्यादा होता है कि उसको फेसबुक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लास्ट सवाल में आते हैं कि एलन मस्क ने जो शंघाई चाइना में जो अपनी गाड़ियों की जो प्रोडक्शन प्लांट थी वो उन्होंने क्यों स्टॉप कर दी, रोक दी? तो इसकी जो रीज़न है वो क्लियरली उन्होंने भी स्टेट की कि वो कोविड-19 थी। और जाहिर सी बात है चाइना में जो मैन मेड मतलब ह्यूमन मेड जो ये वायरस है उधर से भी फैला था, और ये मतलब इससे काफ़ी मतलब बीमारी अभी भी उसमें स्प्रेड ही है, चल रहा है, मतलब कोविड अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए उन्होंने इसकी रोकथाम कर ली। और जो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो टेस्ला इलेक्ट्रिक जो कार है इसके अलावा ये एनर्जी सिस्टम का भी काम करता है, सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सेल करने में भी काम करते हैं, और एंड टू एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीलॉग में। अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें। और अगर आपने कोई सवाल भी पूछना हो तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और बाकी तो बस यही, बस फिर अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।